हेलो, हेलो, सलामकुम अस्सलाम जी। जी। मौलाना साहब सब खैरियत अल्लाह फजल। आप कौन? जी? मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ, यूपी अलाहाबाद से। कौन? अक्कू खान बोल रहा हूँ अच्छा, भेजते हैं। अल्लाह जी। अलहमदुल्ला, आप ठीक हैं फजल। जी? हमें बस इतना जानना था कि आपको कोई मतलब एक परेशानी है पहले सुन्नत से, तो हमें बताइए। किस तालुक से? अहले सुन्नत के मतलब भाई वो बारे में आप उल्टा सीधा बोलते रहते हैं माइक के ऊपर, मस्जिदों में, बयानों में, तो अगर कोई आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, तो बताइए आराम से, प्यार से। अहले पप्पू भाई कौन सुन्नत, अहले हदीस से अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से बताइए आप। आप ये आकर के फोन पे बात नहीं, रूबरू कीजिए। नहीं, रूबरू भाई, अब हम इतनी दूर, अब सबके पास जाते रहेंगे पूछने के लिए परेशानी, तो मेरे भाई वो इतने हमारी तो दूर आप जिंदगी कहाँ बीत से बोल जाएगी रहे हैं? ना आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी। मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, उत्तर कहाँ से? अच्छा, प्रदेश अलाहाबाद से जी। तो वहां तक की बात आई। मतलब हमारे साथी हैं, वो आप ही के एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने भाई आपका नंबर दिया और कहा कि ये मतलब भाई एक अल्लामा जी हैं, मौलवी साहब। वो क्या बिल्कुल खुद जा ही लेंगे? तो यहाँ जब इतना बड़ा मामला है तो उनको सामने आना चाहिए। मैं तो चैलेंज और वार्निंग के साथ देता हूँ, ये फोनों पे बात नहीं होती। नहीं, मैं चैलेंज के मुनाजरा लिए, मैंने कोई है, आगे चैलेंज आइए। आपका एक्सेप्ट भाई नहीं किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस से आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। चलो, पहले अगर आपका चैलेंज तो लफ्ज दुनिया ये करती रहती है, अब कहाँ कहाँ जाएंगे भाई। नहीं, तो वो तो है ना, बस फिर वो यही समझ के छोड़ दो। और क्या, जब इस मौजूद आपको लेना ही है तो आमने सामने आओ। तो भाई जो ये फोन है उसको तोड़ के नहीं आप फेंक दीजिए। तो ये हमारा है, आपने फोन क्यों लगाया? मैंने आपको लगाया क्या? मेरे भाई फिर वही चीज, आप नहीं, फोन पे बात ही नहीं करते हो, फोन तो फोन तोड़ के फेंक दो। पे फोन बात का करते इस्तेमाल क्या है? जरूरी है, बिना आप वजह की मस्जिदों बातें। में लोगों को मेरे भाई भड़काते हो, अहले हदीसों को उल्टा सीधा बोल के भाई चैलेंजबाजी करते हो। अब हम इत्मीनान से आपसे पूछ रहे हैं आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं, वो जो फिर यहाँ मैं पे आपको मौजूद चैलेंज है। कर रहा हूँ, नहीं, अहले इधर सुन्नत अहले पहले हदीस का एक मेरे ऐसा अमल, ऐसा मेरे अकीदा बता दीजिए जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो। हम इंशाल्लाह 100 लोगों को साथ में लेके भाई हनफी बनने के लिए तैयार हैं। एक अमल, एक सवा नहीं अकीदा बल्कि आप बता हजारों के लिए दीजिए। तैयार हो जाइए। मेरी बात सुनिए, जब तक सामने रूबरू नहीं होंगे उस वक्त तक क्या दोस्त नहीं आपके होंगे। इमाम अबू और हनीफा रहमुल्ला ने कहा था कि दीन की बात खाली आमने सामने करना, बाकी कहीं ना करना, अच्छा, तो आप एक बात तो की कह आप रहे हैं तो क्या मैं अहले हदीसों के नहीं, सामने बात करते मैं हैं? आप भी तो अपनी मस्जिद में हनफियों के बीच में भाई वो माइक के ऊपर बोलते हो। बिल्कुल आपने आज सामने तक, मना, आपने कभी हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह। की अहले हदीस की आप भाई कॉन्फ्रेंस होती है, आप आज तक आए वहां पे? मतलब अरे, तो तुम्हारी हिम्मत कब हुई जो हमारे दरमियान आपको में आए? शर्म आनी चाहिए, अभी आपके एरिया में भाई मतलब भाई वो दंगा हो गया, ठीक है, हिंदुओं के बीच, मुसलमानों के बीच, और आप मेरे भाई इस कंडीशन में भी अहले हदीसों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। थोड़े तो कंडीशन मेरे भाई वो ईमान का तकाजा रखिए, उम्मत ईमान को का एक तक होने की कोशिश कीजिए। उम्मत को आप लोग बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम कीजिए तो भाई, अरे मेरे भाई दंगा फसाद हो रहा है, तो तुम्हारे तो आपको हसीन उस समय एकदम प्यार से, हिकमत से काम करना चाहिए था, लोगों को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए थी, और आप हैं कि वहाँ दंगा फसाद हो रहा है, आप हो कि मतलब भाई अहले सुन्नत अहले हदीस को भाई वो चैलेंज पे चैलेंज आप ठोक रहे हो। नहीं, तो जब पहले पहले मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कोई एक अमल ऐसा बताइए। सबसे पहले मोबाइल पे हुजूर ने क्या रोजा किया था या मुनाजरा, ये बात की थी, ये हुजूर से साबित करो हदीस से। आप कहते हैं ना अहले हदीस है, अहले हदीस तो ये बात साबित कीजिए कुरान और हदीस से। क्या साबित करना है? ये जो मोबाइल पे बात हो रही है ना, आप कह रहे हैं इमाम आजम ने सामने बात की थी। इमाम आजम को छोड़ो, हम आपकी बात कर रहे तो हैं। आपके लिए सलाम इमाम की का कॉल हुज्जत है ना, ये तो कंडीशन आपने लगाई है ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना, मैं तो दीन कह रहा हूँ इस्लाम में सामने है आइए कि जो रूबरू। असबाब है असबाब का इस्तेमाल करो। जो ये फोन है एक असबाब है, आप हमसे दूर हो तो हम आपसे फोन के असबाब से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, अगर भाई असबाब ये हुजूर के हराम है जमाने फोन में पे बात थे क्या? करना, तो फोन तोड़ मेरी के बात फेंक दीजिए सुनिए। आप। नहीं, हुजूर के जमाने मोबाइल थे। नहीं, अरे तो अल्लाह के नबी के जमाने में कहाँ थे हम? कब कह रहे हैं कि फोन पे बात करना भाई ये अल्लाह के नबी बिदत की हुआ ना। सुन्नत है? नहीं, बिदत हुआ ना। अरे तो बिदत कैसे हो गया मेरे भाई? नहीं, हुजूर के जमाने में नहीं थी। आप वही आपको कहते हैं बिदत कुल्लू की बिदत तारीफ इन भी नहीं दलाला। मालूम है भाई?
नहीं नहीं आपको बता देते हैं, आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर आज की तारीख में अगर हम सवाल समझ के करें तो उस काम को बिदअत कहते हैं। मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए, आप हर बात को यही कहते हैं, वही हदीस लेके आते हैं, कुल्लू बिदअतिन दलाला, कुल्लू बिदअतिन दलाला। जब कुल्लू बिदअतिन में जब आप लोग हर बिदअत को लेते हैं तो फिर ये यहाँ पर जब आपको मिलाद के अंदर फातिहा के अंदर नेक नेक जगहों पर उस जगह पर आकर के बिदअत नजर आती है, तो यहाँ इन चीजों में आठ का तरावी का सबूत जो है जो पिछड़ा का था। अरे जो आप भाई ये मिलाद करते हैं, फातिहा करते हैं, कुंडे करते हैं, तीजा करते हैं, चालीसा करते हैं, छठी चिल्ला और बरसी, जो ये सब आप मनाते हैं, या दीन में मनाते हैं, या आप मेरे भाई इसको वो दुनिया समझ के बनाते हैं, उसमें पढ़ते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन में हर नया काम बिदअत है, कुल्लू बिदअतिन ज़लाला। तो दीन के अंदर दीन में कोई भी नया काम इजाद करेंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, वो मेरे भैया बिदअत है। लेकिन दुनिया में आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बिदअत थोड़ी ना है। तो दुनिया में दीन नहीं है क्या? लोगों को बेवकूफ बनाते हैं भाई, इतने बड़े अल्लामा बनते हैं, मुनाजिर बनते हैं। आपसे मैंने इस्लाह की नियत से बात किया कि भाई इस्लाह की नियत से तो बात कर रहा हूं, ऐसा चल रहा है कि दोनों को एक होना चाहिए। अगर कि आपको कोई एतराज है, कोई आपको कंफ्यूजन है, तो आप बताइए उसको, इंशाल्लाह दूर करेंगे। आपने अपने मकतबे फिक्र के भी नाम दो रखे, क्यों दो रखे, जबकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात कहते हैं और इसकी कोई अच्छी बिदअत करना जायज है आपके वहाँ? नहीं नहीं, आपने अपने मकतबे फिक्र के दो नाम बताए कि नहीं बताया अभी? क्या अहले सुन्नत अहले हदीस कहा कि नहीं कहा? माजल्ला, गौसे आजम की शान में आपने मेरे पे गुस्ताखी कर दी। मेरी बात पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला अपनी किताब बुनियादुल तालिबीन के जिल्द एक सफा नंबर 166 पे पहले बता चुके हैं, आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस, अहले असर। और आप कह रहे हैं दोनों को हमने जमा कर लिया। आप बुजुर्ग, आप हुजूर गौसुल आजम को आज तक अहले सुन्नत किसने कहा? गौसुल आजम एक वली का नाम हमको बता दीजिए, एक वली का नाम बता दीजिए। लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गलेरी बाबा, भालू बाबा, बीड़ी शाह बाबा, कोई भी बाबा हो आपके, एक बाबा का कॉल हमको बता दीजिए कि जो बरेलवी है, बिदती है, वो अहले सुन्नत है, एक का नाम बता दीजिए। अरे जालिम, सबके सब अहले सुन्नत वो जमात है, अहले सब सुन्नत सब कैसे हो जाएंगे मेरे भाई? मतलब जो लोग मेरे भाई दीन में नए नए काम को इजाद कर रहे हैं और बिदअतें कर रहे हैं, वो भी अहले सुन्नत हो जाएंगे? आपने अपना लफ्ज शुरू में क्या कहा था? मैं अहले सुन्नत अहले हदीस के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस में आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी, तो आप बताइए, हम इंशाल्लाह जवाब देने के लिए हाजिर है ना। हुजूर गौसे आजम से नहीं, आप हुजूर गौसे आजम की तकलीफ करते ही नहीं, उनके ख़क़वाल मानते ही नहीं, तो फिर आप हुजूर आप कुरान हदीस की बात करते हैं, सिर्फ कुरान हदीस। तो कुरान और हदीस में ही आया है कि उलमाए दीन अंबिया के वारिस हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो तो अल्लाह के वली थे, उन्होंने बता दिया है अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस है, तो क्या हम उसको माने ना? आप लोग जब तकलीफ नहीं करते कुरान, अरे इसमें तकलीफ कहाँ होगी? वो तो दलील दे रहे हैं ना कि भाई जो अहले हदीस है भाई वो सुन्नत पे चलते हैं, इसीलिए आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। नहीं नहीं, आप हर बात में कहते हैं कुरान हदीस से लाओ, आप मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अहले हदीस लफ्ज कुरान से हदीस से साबित करो, माई का लाल हो तो अगर साबित कर दे, साबित करो, ठीक है चलिए। अगर साबित कर दे तो आप क्या करेंगे? हर बात जब कह देते हैं बस बुखारी, हम इंशाल्लाह जो कहेंगे कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से कहेंगे, हम अहले हदीस आपको इंशाल्लाह कुरान हदीस से साबित करेंगे। हाँ साबित करो कुरान से। भाई जामे तिर्मिजी की भाई ये हदीस है, किताबुल फितन में अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, और किस लिए कहा? एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, और जो उसके इनकार करने वाले होंगे, उसके दुश्मन होंगे, वो उसको कोई नुकसान कतई नहीं पहुंचा सकेंगे, अल्लाह सुभान व तआला उसकी सेफ्टी करेगा, मदद करेगा। और इसी हदीस के नीचे जो हदीस को नकल किए हैं, ठीक, इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं कि इस गुरु से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो कोई नहीं है। तिर्मिजी का और तमाम मुहद्दिसीन ने 1000 सालों के तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि वो जो एक जमात है, जो हक जमात है, वो सिर्फ अहले हदीस है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो बरेलवी है, दोबंती है, कादियानी है, शिया है, सबने कहा वो अहले हदीस है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अहले कुरान, तुम वित्र अदा किया करो। अल्लाह के नबी भी फरमा रहे हैं ऐ अहले कुरान, तुम
वितर अदा करो, लेकिन आज जो पहले कुरान है वो फिरके बन चुके हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, इसलिए हमने अपना एक सिफाती नाम को चुना है जो सहाबा से साबित है, हम अहले हदीस हैं। हुजूर अली सलाम सलाम ने तो सिर्फ यहाँ पे अहले इस्लाम भी कई मरतबा जिक्र फरमाया, तो क्या उसमें कोई हाँ तो अहले इस्लाम है ना? नहीं नहीं, तो उसमें कोई फिरका नहीं माना जाता। अरे मुसलमानों के कितने सिफाती नाम है, अहले हक, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तौहीद, मोहम्मदी, सल्फी, ताइफा मंसूरा, फिरकाए नाजिया, वो तो तमाम सिफाती नाम है ना, लेकिन बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, ये तो फिरका है। ये सेल्फियाँ वगैरह सब तुमने इजाद की है, हकीकत में जो कुछ था जब ये भी तो अपना जैसे अब जिस तरीके से मरीज होने पर एतराज किया जाता है, आप अपने लफ्ज सेल्फी पर, और ये लफ्ज सेल्फी है, मैं सेल्फी कह रहा हूँ, इस तरह के सारे अल्फाज जितने हैं ये तुम्हारे कुरान हदीस से साबित हैं? अरे हाँ मेरे भाई, कौन से जो हमारे सहाबी थे उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का पहला अहले हदीस हूँ। झूठों पर अहले, अरे हजरत भाई, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं दुनिया का पहला अहले हदीस हूँ, ऐसे फरमाते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमुल्लाह फरमाते हैं कि हमेशा हक पर रहने वाली जमात अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मेरी हदीस को, मेरी हदीस को अपनी तरफ से जोड़ कर जब बयान किया भाई, जिस जमात के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वह हमेशा हक पर तुमने जो सॉफ्टवेयर निकाला नया माना है मुराद है वो अहले हदीस जमात है। अपनी तरफ से हदीसें वो निकाल दी गई और वो हदीसें सिर्फ लिख दी गई जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक थी। अहले हदीस मुसलमानों में ऐसे हैं जैसे अहले इस्लाम में तमाम दीन के डंडे मारने वालों, सुनो इधर मेरी बात, दीन के मरने, दीन पर डंडियां मारने वालों, बुखारी और हदीस की वो हदीसें तुमने निकाल दी, भले इस दौर में वो सारी हदीसें। अरे आप अपने आप को बरेलवी नहीं साबित कर पाएंगे, आप अपने आप को हनफी नहीं साबित कर पाएंगे, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अपने आप को ईमान वाला मुस्लिम नहीं साबित कर पाएंगे, तो आप हमसे दलील मांग रहे हैं? हमने तो दलील आपको दे दी, हमारे सहाबा इकराम ने फरमाया मैं दुनिया का पहला अहले हदीस हूँ, और सहाबा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस थे, लेकिन कोई सहाबी, कोई सहाबी बरेलवी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, यानी कि हमेशा कैसे? मेरी बात सुनो, मैं मतलब अल्लाह के नबी के दौर में वो जमात मौजूद थी और कयामत तक रहेगी, हमेशा का अल्फाज आया है, लेकिन ये बरेलवी तो इमाम अहमद रजा खान साहब के पैदा होने के बाद आए, तो ये हमेशा हक पे कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, हक पर क्यों नहीं हो सकते? बरेलवी लफ्ज जो ये कहाँ का टाइटल है, बरेली शहर का नाम है, यूपी रहने वाले, यूपी का भाई ये शहर है बरेली, यहाँ पे इमाम आला हजरत अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी पैदा हुए थे, उनके नाम से आप लोग ने अपने आप को निस्बत दे दी, हम बरेलवी हैं, बरेलवी हैं। अब बरेलवियों को अहले सुन्नत कौन से वली ने कहा, कौन से मुहद्दिसीन ने कहा, कौन से सहाबा ने कहा, कौन से अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने कौन सी आयत में कहा? कोई दलील नहीं है। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह वो बरेलवी थे, देवबंदी थे, ये भी कोई को नहीं मालूम है, तो आप कहाँ की बात कर रहे हो? यहाँ मेरी बात सुनिए, मैं अपने आप को कह रहा हूँ मैं सत्तरी बरेलवी नहीं हूँ, बरेली शहर का नाम है, तो कहाँ का रहने वाला उसको बरेलवी कहा जाएगा? इतना बता दीजिए, मस्जिदों में जो माइक के ऊपर आप बयानबाजी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, अहले हदीस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मेरी बात सुनो, आप क्या मुझसे आमने सामने बात करने के लिए तैयार हैं? अपने तैयार हैं, उनको लेके आइए, आमने सामने बात करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, आप आइए सामने। तो ठीक है, आप खाली इतना बता दीजिए अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं आपके नजदीक? नहीं, जब बात सामने कर दी है तो यहाँ पर आप कुछ, अरे पहले आपका अकीदा तो जान लूँ तभी तो मैं आऊँगा। हाँ, क्या अकीदा है? अच्छी बिदत करना आपके वहाँ जायज है कि नहीं? हमारे नजदीक तो जब ये जायज है, नेमत अल बिदा तो हजरत फारूक आजम सरादी के वक्त ये फरमाई थी। अरे वो तो लुगवी थी ना, इस्तलाही में आपके वहाँ अच्छी बिदत करना जायज है? इस्तलाही एक तरफ, बिदत हसना करना जायज है आपके वहाँ? बिदत हसना बिल्कुल जायज है, और बिदत सैया, बिदत मकरूहा, बिदत जलाला, हम उसको बिदत कहते हैं, लेकिन याद रहे बिदत की तारीख के मुताबिक देखिए सामने अहले सुन्नत अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपके पुराने पीर ने भाई ये अपने दौर में साफ साफ बता दिया था, जितने तुम, लेकिन आपने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि आप अहले सुन्नत से खारिज हो गए हो, क्योंकि बिदत हसना यानी कि दुनिया में तो हंसना है और आखिरत में रोना है, और अच्छी बिदत जो करता है दीन में वो तो होता है अच्छा बिदती,
वो अहले सुन्नत में नहीं सकता का मतलब हंसना होता है। अच्छा बिदती मेरा आप तो अच्छे बिदती साबित हो गए। बिदते हंसना का माना वो हंसना वाला हंसना नहीं है। अरे वो हंसना वाला हंसना नहीं होता लेकिन आखिरत में रोना वाला रोना पक्का है। अरे तुम्हें जब यही लफ्ज अल्लाह के नबी के पास जामे कौसर पीने के लिए लोग आ रहे होते हैं तो फरिश्ते लोगों को मारते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं क्यों इनको पीछे कर रहे हो उनको आने दो आने दो। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम। इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम। ये लोग आपके जाने के बाद दीन में नई नई चीजों पर जांच कर रही है तो अल्लाह के नबी कहते हैं हटाओ उनको मेरे सामने हटाओ उनको मेरे सामने। अरे मेरा जवाब सुनो ये बात कौन कह रहा है कौन कह रहा है ये आप तक बात कहाँ से आई कहाँ तक आई। नहीं नहीं आपसे आप तो आपको ये बात कैसे पता चला। अरे ये तो मेरे भाई हदीसों में आई ना। नहीं नहीं हदीसों में आई बयान कौन कर रहा है बयान कौन कर रहा है साहबी। साहबी को किसने बयान किया। साहबी को अल्लाह के रसूल ने बयान किया। तो ये इल्म गैब भी तो हुआ क़यामत में होने वाली चीज यहीं से बयान की जा रही है। इतना भी नहीं मालूम जाहिल के तो वाह 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 क्या कयास है। अरे इल्म गैब इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। इमामुल अंबिया यही चीज तो वहाँ से फरमा रहे हैं। अरे मैदान में महशर बात तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको क्यों हटा रहे हो क्यों हटा रहे हो। तो इतना पहले से फरिश्तों ने कहा कि हम आपको नहीं मालूम अल्लाह के रसूल यानी कि अल्लाह के रसूल को इल्म था भाई मैं नहीं 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 था लेकिन दुनिया में इसलिए बता दिया कि देख लो मुझे इल्म गैब का नहीं मालूम है। जो अल्लाह बताता है वो मैं बताता हूँ तुमने का बचा ही नहीं। इस बात नहीं मुझे इस बात का जवाब दो ये बयान कौन कर रहा है और कितने साल पहले कर चुके हैं। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और इमामुल अंबिया ये बताने के लिए किया कि मैं गैब नहीं जानता हूँ। और मेरी बात सुनो फाजिल बरेली ने दौलतुल मक्किया माफासी मर्जिया में जो जलाल खान के इल्म गैब पर अगर उनमें से आज भी तुम्हारे माइक लाल किसी के आलिम। अरे आपके हनफी मसलक के नजदीक जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था वो काफिर है। बिल्कुल नहीं आप तो काफिर हो गए। बिल्कुल नहीं क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाता है कि इस जमीन और आसमान का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। तो जब सिर्फ अल्लाह को है तो उसमें नबी का हाथ आपने शामिल कर दिया। तूने अल्लाह के नबी को उतना गैब का इल्म था जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। मुकम्मल इल्म गैब की पावर नहीं थी। नहीं हनफी मसलक की साबित करो हनफी मसलक। अरे हनफी मसलक किससे साबित करूंगा। हाँ तुमने हनफी मसलक के तीन दावेदार हैं एक बरेलवी एक देवबंदी एक कादियानी। मैं आपको बरेलवी हनफी से साबित करूंगा कि जो अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है वो काफिर है क्योंकि वो उस आयत का इंकार करता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इस जमीन और आसमान का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। आपने कुरान का इंकार कर दिया। आप तो मेरे भाई कुफ्र कर बैठे। अरे कुफ्र गया भाड़ में मेरी बात। अच्छा ठीक है ये बताइए। अच्छा मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुन सुन लीजिए पहले। ये तो मना करे की कसम खुदा की मुबाहले के लिए तैयार हो जाओ आप बोलता हूँ पहले मैं जाऊँगा अगर बात। अरे भाई आग बाद में जलना तो आपको ऐसे भी है मेरे भाई अगर तौबा आपने ना किया तो आग में आप जली जाएंगे। अच्छा ये बताइए जब फिल्म खत्म हो जाता है तो ये कौन सी बात होती है कि आग जलाओ जो आग में कूद जाएगा वो हक पे होगा। अब्दुल वहाब नजद की औलादों ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने हमको आग से बचने की तालीम दी है और आप शैतान के भाई पैरोकार हो आप कह रहे हो आग में कूद जाओ तो हम मानेंगे हक पे हो। हक के लिए सामने आई हजरत इब्राहिम को क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं था जो वहाँ पर कूदवाया गया। हाँ तो क्या सहाबा इकराम को नहीं मालूम था। अब सहाबा इकराम को किन किन आगों में कईयों को डाला गया अल्लाह ताला की तौफीक से उनको ये बताइए। मतलब भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया आपको कौन बचाएगा क्योंकि आप तो इतने बड़े बिदती हैं वो भी छोटे मोटे बिदती नहीं है अच्छे बिदती हैं। हाँ तो सामने आइए ना आग लगाए तो फिर वो पता चल जाएगा कौन बचा रहा है। नबी को इल्म गैब था आपका मानना ये है। पुराने पाक में आलिम गैब फला युज़हिर वाला गैब या हदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन अपने रसूलों में से जिससे राजी हो जाए अपना गैब उन पर जाहिर फरमा देता है उनको अता फरमा देता है पुरानी दलाइल और हुज़ूर अल्लाह। कहाँ से तर्जुमा करते हो मेरे भाई कंजूल ईमान पढ़ना छोड़ दो वरना ऐसे ऐसा कीते बर्बाद हो जाएंगे। और तुम लोगों का कीते क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको चाहता है उनको अपने गैब की खबर दे देता है। खबर इल्म गैब की पावर उनको नहीं दे देता है। अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब होता तो 70 कारियों को जो धोखे से मार दिया गया अल्लाह के नबी कभी 70 कारियों को मरने देते। मेरी बात सुन यहूदी औरत ने जहर का लुकमा दे दिया अल्लाह के नबी को और अल्लाह के नबी के बगल में सहाबा ने खा लिया
क्योंकि अल्लाह के नबी ने माज अल्लाह साहबा को मरने दे दिया, ये कौन सा इल्म है भाई? मेरी बात सुन, वो तो सामने आ, मैं दलाइल से पेश करूंगा। मैंने अरे सामने क्या, मेरे भाई फोन पे क्या हो गया, गुस्सा आता है, मेहंदी लगी फोन पे, फोन पे बात करने में क्या आपके मुंह में कोई अंगारे आ गए आपके? मैं कह रहा हूँ फोन पे नहीं बोल पाते, सामने होता तो शराइत होती है ना उसूल के मुनाजरे की, शराइत होता उसूल के। आप तो अच्छे भी देती है, आपसे मैं बात ही करके अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ भाई। तो अपने आप को की बात है, अच्छे भी देती को तो मुंह नहीं लगाना चाहिए। हुजूर के जमाने में नहीं था बेइज्जती की ताज़ीम, मेरे भाई दीन इस्लाम में बेइज्जती की ताज़ीम भी जायज नहीं है। आपके साथ में तू पैदा हुआ और मैं आपसे इसी तरह से बात कर रहा हूँ, शर्मानी चाहिए। वसीले के साथ में बात हुआ तो वसीले का भी इनकार, माँ बाप से पैदा हुआ फिर भी वसीले का इनकार, उसके बाद नहीं तो हम वसीले का इनकार नहीं करते, हम वसीले का इनकार नहीं करते, आप लोग वसीले का इनकार करते हो। इसी तरीके से किसने वसीले का इनकार किया है? अहले सुन्नत अहले हदीस के वहाँ तो जो भाई ये वसीला है वो फर्ज है, जो इसका इनकार कर दे वो तो मेरे भाई वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वसीला ले सकते हैं ना, हुजूर का वसीला ले सकते हैं? नहीं, जो जायज वसीला है उसको लेंगे ना। अब जो बरेलवी बिदती बातिल, जो बातिल वसीला लेते हैं वो ना लेंगे। कुरान की कमोबेश 25 आयतों से साबित है, जो बरेलवी बिदती लोग जो वसीला लेते हैं वो बिल्कुल भाई वो नाजायज है। नहीं नहीं, कुरान में ये लिखा है, 25 आयतों से मसला लेते हैं, कुरान में लिखा है कि बरेलवी बिदती, किसी आयत में बता बरेलवी बिदती, अपनी तरफ से क्यों दीन को घड़ते हो तुम लोग? अरे मैंने ये कहा था कि मेरे कुरान में ये अल्फाज आए हैं बरेलवी बिदती, सामने कह रहा हूँ जो वसीला बरेलवी बिदती लेते हैं वो कुरान की 25 आयतों में आया हुआ है कि ऐसा कोई वसीला लेता है तो वो नाजायज है। मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कुरान में इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी मदद मांगते हैं। और बरेलवी लोग क्या करते हैं, अल्लाह को छोड़ के भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊँ। अब बताओ अल्लाह कह रहा है कि मेरी इबादत मदद मांगो, तुम अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से मदद मांग रहे हो? तौबा, अब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हजरत अबू जुबैर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर के रोज़े के पास में खड़े हैं और वहाँ आकर के अपने पेशानी रखते हैं और वहाँ हाथ दे करके एक पीछे से एक साहबी आकर के कहते हैं कि हुजूर की खबर पे ये क्या कर रहे हैं? तो आपने फरमाया मैं किसी बुत के आगे नहीं रसूलुल्लाह की खबर पे हाजिर हूँ। इसका क्या मतलब है भाई? मतलब ये पहली चीज तो जो आपने हदीस पढ़ी है, असल में आप जो उसूल होते हैं हदीसों के उससे आप भाई पैदल हैं, ठीक है? ये अच्छे दर्जे की ज़ईफ हदीस है जो भाई वो मौज़ू तक पहुँच जाती है। ओ पैदल हो सवार, इसको कौन कह रहा हूँ सामने आ, आपने जो हदीस पढ़ी है ये किस किताब की और कौन से मुहद्दिसीन ने इसको आज तक सही कहा है ये बताइए। मैंने अभी क्या बताया, मैं आपको सही अल बुखारी की, मैं आपको सही अल बुखारी की हदीस दे रहा हूँ, हदीस नंबर 1010, हदीस नंबर 10। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सूखा पड़ जाता है तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के वसीले से ना दुआ करके उनके जो अंकल थे चचा थे उनके वसीले से दुआ करते हैं। वहाँ अल्लाह के नबी की जो भाई कब्र थी भाई वो मौजूद थी, लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा करके पेशानी रख के अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ नहीं की, बल्कि ईदगाह में जाके लोगों को भाई वो जमा करके मैदान में अल्लाह के नबी के प्यारे चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से दुआ की। मैं सही हदीस से बात करता हूँ, मौजू हदीस से अकीदा नहीं बनाता हूँ। प्यारे चचा हजरत उमर इस रकात तरावी के वक्त में हजरत उमर कहाँ चले जाते हैं? कोई दुनिया का अपनी माँ के पेट से ऐसा मुकल्लिद पैदा हुआ हो जो 20 रकात तरावी की एक सही हदीस हमको दे दे, एक सही हदीस हरम में 3 साल। अरे तो हरम शरीफ की भाई ये बताओ, 20 रकात जो पढ़ाई जाती है वो दो इमाम पढ़ाते हैं ना, 10-10 रकात करके अंधे हो जाते हैं, दिखता नहीं है? तुम भी तो पढ़ा दो। और जो वित्र की नमाज पढ़ते हैं, वित्र की नमाज कैसे पढ़ते हैं हरम शरीफ में, उस समय तुम अंधे हो जाते हो? मेरी बात सुनो, वहाँ पे लोग सीने पे हाथ बांधते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आमीन जोर से बोलते हैं, तो ये सब अंधे हो जाते हैं। और ईद की नमाज में जो तकबीर आपके यहाँ होती है 6 तकबीर भाई, वहाँ सऊदी अरब में तो हरम शरीफ में तो 12 तकबीर होती है। तो ये रमजान में खाली 20 रकात तरावी जोर जोड़ के देख ले तो बाकी चीजें भाई मदीना शरीफ में जो दर्श देते हैं, मेरी खुद उनसे गुफ्तगू हुई उमरा के दौरान और बाकायदा उन्होंने 20 रकात तरावी की। जब ऐसे अरे तो 20 रकात तरावी पढ़ना जायज है ना, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि भाई जो सुन्नत से रकात साबित है वो क्या 20 रकात है?
अल्लाह के नबी ने कौन से रमजान की रात को 20 रकअत तरावी पढ़ी, बताओ जरा। बिल्कुल पढ़ी है, बताओ ना। और आप जो 8 रकअत लेके बैठे हैं, अरे सही है, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 ये तमाम हदीसों मेरे भाई आप ठीक से पढ़ लीजिए। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी की रात की नमाज चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकअतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो क्या भाई अम्मी आयशा ने उनको अपने शौहर का अमल नहीं पता था? आप लोग को बाद में अंग्रेजों के दौर के बाद आके आप लोग को पता चल गया कि नहीं, अल्लाह के नबी भाई अंग्रेजों के टुकड़ों पर तुम पल करके पड़े हुए हो, अंग्रेजों के टुकड़ों पर तुम पल करके पड़े हो आले भाई, अंग्रेजों के जो गुलाम थे वो आला हजरत थे आपके, इमाम अहमद रजा खान साहब भाई, मेरा मोना खुलवाइए। 1400 साल की तारीख में सारे उलमा है, मेरा मोना खुलवाइए मेरे भाई। आपके फतावा रजविया में साफ साफ उतरा हुआ है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना ये हराम है, तो आप लोग खुद ही अंग्रेजों के भाई पैरोकार थे, अंग्रेजों की पैदावार थे, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग थे, अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते थे, और आजादी की भाई जो भी हुई थी लड़ाई उसमें किसी भी बिदअत की साथी नहीं दिया। मन घड़त इबारत है, अरे फतावर इसलिए मेरे भाई आपके वहाँ तो कुरान से भी ज्यादा अफजल है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मर्दूदो अपने अपने, अरे अल्लाह के बंदे, सॉरी अरे आला हजरत के बंदे, आपके आला हजरत ने कहा है कि मेरे दीन व मेरे मेरे मजहब पे जो मेरी कुतुब से मेरी किताबों से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है, यानी कि कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है, आला हजरत की जो कुतुब से जो दीन साबित हो रहा है उसको पढ़ के अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। अब मैंने आपका दीन देख लिया, दिमाग आपका देख लिया है, आपकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अपनी मस्जिद में अपने जो मानने वाले लोग हैं आवाम में उनको बेवकूफ अपना बनाइए, अल्लाह के लिए मेरे पर कुरान की आयतों पे और अल्लाह के नबी की हदीसों पे झूठ बोलना छोड़ दीजिए, ज़ईफ हदीस मौज़ू हदीस से जो आपने अकीदा बना रखा है उसको छोड़ दीजिए, और लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। यही बात थी तो यहाँ के जिन मुल्ले ने तुझे फोन किया वो भी तो सामने आ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है सूरे नहीं मेरी बात सूरे निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 65 में कि जब आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, ना कि माइक के ऊपर खड़े होके अहले हदीसों को उल्टा सीधा बोला जाए। अहले हदीस तू कौन होता है? सामने आना कह रहा हूँ मैं, ये सामने आओ, नहा के आओ, धो के आओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, ये सब मेरे भैया जो बोल बच्चे ने कहीं और जाके देना, अंगूठा सूचने वाले बच्चे को तुम्हारे आलिम हमारे नाम से भागते हैं, तुम्हारा सूफी कलीम बाबा, तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा, तुम्हारा अल्लामा अहमद नक्शबंदी TTS और तुम्हारा हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी, मैं सबसे बात कर चुका हूँ, सब भागे हुए मेरे नाम से, ठीक है? बरेलियों का दूल्हा भाई अफू खान, ठीक है? मेरा जवाब नहीं दे पा रहा है तो याद रखना, भेड़िया तू मेरा जवाब नहीं दे पा रहा है तो उन बड़े बड़े उलमा का क्या जवाब देगा? तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे तो दिया, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया ना कि बरेलियों को अहले सुन्नत आज तक किसने कहा? अरे बरेलियों का अकीदा क्या, मुझे ये बताइए, तुम्हारा बरेलियों का अकीदा वही है जो मक्का के जो काफिर थे मुशरिक थे उनका अकीदा था, वो जो वो भी कहते थे कि अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं, नहीं, नहीं, लेकिन वो कहते थे कि जो ये मूर्तियां हैं बुद्ध हैं ये तो हमारे लिए सिफारशी हैं, तो मेरे पर यही अकीदा तुम्हारा है, तुम्हारे जो ये पीर बाबा है तुम कहते हो नहीं पीर बाबा को हम नहीं मानते, हम इबादत अल्लाह की करते हैं लेकिन इनका वसीला लेते हैं, तो हो गया ना मक्का से मुश्किल का पीड़ा। कलमा शरीफ पढ़ते थे मक्का के लोग, नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, अरे आप अपने कलमे जाके देखिए आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह माजल्ला, तो आप जाके अपने वलियों के नाम पर कलमा पढ़िए और पढ़ाइए। अरे बदबख्त, और दूसरी किताब में आया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिबलिर माजल्ला रसूल अल्लाह, तो कैसे कैसे तो आपने अपने वलियों के नाम के कलमे पढ़ लिए हैं और आप हमसे बात करेंगे? सलाम अलैका जाहिल बिदती सलाम अलैका, अच्छा बिदती सलाम अलैका, तुन्नी लहाबी सलाम अलैका। तो भाई ठीक है, मैंने आपके ऊपर सलाम भी आपके ऊपर पेश कर दिया जो आपको बहुत पसंद है, आप लोग गाना गा के सलाम पढ़ते हो ना, मेड इन इंडिया पाकिस्तान वाला जो आप लोग ने अपनी अकल से बना दिया सलाम, खिंजीर बना है, मेरी बात सुन, आला हजरत का कॉल है नवाजी रजा का नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं,
मेरी और आला हजरत के ताल्लुक से आता है तो क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो बहुत सारे कुत्ते हैं जो अहले सुन्नत अहले हदीस को भोंकते रहते हैं। उन्होंने सलाम हुजूर की बात की आला हजरत को एक तरफ रख आला हजरत को एक तरफ रख तौबा तौबा आला हजरत की शान में गुस्ताखी माजरे। मेरी बात सुन वही सलीम तस्लीमा का माना कुरान में क्या है। अरे मेरे भाई जो सलाम हमारे सहाबा ने पढ़ के हमको बताया है जो नमाज में पढ़ते हैं अत्तयात में पढ़ते हैं वो सलाम हम पढ़ेंगे ना और वो सलाम नमाज की हालत में उर्दू पढ़ा जाता था। आप लोग जो मदीना की तरफ खड़े होके उर्दू में गाना गा के सलाम पढ़ते हो वो सलाम मेरे भाई बिदती सलाम है। गाने की तारीफ मालूम है तुझे? गाने की तारीफ मालूम है? हाँ गाने की तारीफ भाई ऐसी है जो गाना गा के कोई चीज कहे। अरे तो जालिम यही जैसे मैं आपको अगर भाई मैं अरबी में सलाम करूंगा तो मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, लेकिन जब मैं गाना गा के कहूंगा तो मैं कहूंगा सलाम अलैका बरेलवी भाई सलाम अलैका सलाम अलैका। तो आप लोग को गाना गा के सलाम पसंद है ना, तो इसलिए मैं गाना गा के आप लोग को सलाम करता हूँ। बात सुन नमाज में तैयार पढ़ना वाजिब है ना, मानते हो ना? अरे वो सब बात की बात है। मेरी बात सुन, नहीं नहीं मेरी बात सुन, क्या वाजिब है क्या फर्ज है सुन्नत है वो सब बहुत हाई लेवल की बात है, बात को समझ में नहीं आएगी। ये तेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है कल सोशल मीडिया पर जाने वाली, इतनी सही से जवाब सुन मेरी बात को। अरे बाप रे बाप, धमकी अफू खान को सोशल मीडिया में मुझे जवाब दे। अस्सलाम वालेका यू नबी का माना क्या, नमाज में क्या कहा जा रहा है? या नबी सलाम अलैका ही तो कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेका मेरे भाई पहले आप पढ़िए मेरी बात सुन, लफ्ज अस्सलाम अलैका यू नबी का माना क्या है? अत्तयात का पहले भाई आप हमको बताइए तर्जुमा क्या। मेरी बात सुनिए, अस्सलाम अलैका की तूने बहस की है, जब सलाम की बहस की तो गौर से सुन, अस्सलाम अलैका यू नबी का माना क्या है भाई? अत्तयात का तर्जुमा क्या है आपको मालूम है? अत्तयात मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तूने खुद या नबी सलाम अलैका पर बहस की है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ नमाज की तूने खुद बहस करी है। अस्सलाम अलैका यू नबी का माना क्या? पप्पू गया बाढ़ में, अगर इस लफ्ज का माना जवाब दे सकते यही तेरा जवाब हो जाएगा। तर्जुमा जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है सलामती हो अल्लाह के नबी पे। तो सलामती किसको कह रहे हैं? सलाम अलैका का माना क्या होता है? तो मेरे भाई ये बताइए, आप लोग ऐसे तो कहते हो हर चीज अरबी में है, दीन अरबी में है, लेकिन जब सलाम पढ़ते हो तो उर्दू में पढ़ते हो। तो या नबी सलाम अलैका ये अरबी लफ्ज नहीं है? अच्छा ये अरबी है, या नबी सलाम अलैका रसूल सलाम अलैका जाने रहमत पर लाखों सलाम, क्या ये सब मेरे भाई अरबी है? ये कौन सी अरबी है? तो ने या नबी सलाम अलैका बहस की, या लफ्ज हरफ निदा है कि नहीं है? अरे तो या है तो या के कब मेरे भाई उर्दू में बोल दोगे? नहीं नहीं अभी मैं कह दूं या जाहिल तो क्या इसको अरबी तो मना दोगे? जाहिल तो तू हुआ ना, मेरी बात सुन, या नबी मुकल्लब जाहिल होता है, इसके ऊपर अहलेम का इजमा है, इजमा पूरा माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। सलाम सलाम भी अरबी लफ्ज है, अलई का भी लफ्ज अरबी लफ्ज है, तुझे माना ही नहीं आता? अगर अरे तो पूरा अरबी में पढ़ो ना, तो नमाज में पढ़ना अल्लाह के नबी के ऊपर मेरे भाई जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहिम, आप उसको अरबी में पढ़िए, ना कि फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, किबला रुकू होता है, किबले से थोड़ा हटके मदीना का सामना करके नमाज गैंग बना के गाना गा के खड़े होके सलाम पढ़ना, ये कहाँ से साबित है? मेरी बात सुन, सहाबा बैठ के सलाम पढ़ते थे, माशाल्लाह तुम सहाबा से भी मतलब ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो जो खड़े होके गाना गा के सलाम पढ़ते हो। मेरी बात सुन, तौहीद नमाज में अल्लाह की इबादत के अलावा किसी का नहीं, वहाँ हुजूर की जात पर सलाम क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या तौहीद वाहिद अल्लाह की इबादत होती है, हुजूर की जात को इसमें बीच में लाने की कहाँ जरूरत थी, और इस पर तशव्वुद वाजिब कराने की क्या जरूरत थी? अस्सलाम अलैका अय्युह नबी लल्लाह। अरे ये किससे मांग रहे हैं? ये अल्लाह से मांग रहे हैं ना कि ऐ अल्लाह सलामती फरमा हमारे भाई अल्लाह के नबी के ऊपर, तो ये अल्लाह से मांग रहे हैं ना, आपको आता भी नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसमें क्या है? ऐ अल्लाह सलामती फरमा, जैसे तूने इब्राहीम और इब्राहीम के बेटे को सलामती दी, वैसे हमारे अल्लाह के नबी को सलामती दे। और अजान के बाद जो हम दुआ करते हैं उसमें भी आता है कि ऐ अल्लाह अल्लाह के नबी को वसीला अता फरमा, वसीला जो है वो जन्नत का भाई एक एरिया है, मकाम है, उसका नाम है।
अच्छा ये अदा फरमा, खुद की जात को नहीं अदा। अरे यार तुम लोग कहाँ से आ गए, तुम्हारे साथ दिन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का माना तुमने गलत किया। अरे जो कुरान हदीस में आया है भाई उसके हिसाब से अमल करेंगे या आपके हिसाब से जो आपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बैठ के अपने हिसाब से दीन बना दिया उससे करेंगे? ये तुमने बनाया, तुमने अकीदे को नया बनाया। भाई हमारा दीन तो आसमानी है, आपका दीन जो है वो अंग्रेजों के बाद का है। मेरी बात सुन, आपके लिए काम कीजिए, आपके लग रहा तकरीर कीजिएगा तो उसका वीडियो भाई अपना वीडियो बना के अपलोड कीजिएगा। ठीक, मेरी बात सुन, और मस्जिद के अंदर भाई मेरा नाम लेके चैलेंज कीजिएगा कि वो अप्पू खान अहले हदीस जहाँ कहीं भी हो मेरे से बात करने आए, मैं इंशाल्लाह लाऊंगा आपसे बात करने। बात सुनो, खिंजीरों का नाम है मुसल्लों पर और हुजूर के मेंबर पर नहीं लेता, इतना बेअदब हो गया क्या? अच्छा तो मैं नहीं लेता, तो इसका मतलब जो तुम्हारे आलिम लोग मेरे भाई अपनी पब्लिक के सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिमों का नाम भाई अपनी जबान से लेते हैं, इसका मतलब उनके नजदीक इज्जत के लायक हैं। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ में गए उनसे मैं अपनी बात कह रहा हूँ उन्हें सलाम। अरे आपकी इज्जत थोड़ी ना हो। मेरी बात सुन, हुजूर के रोजे पे लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है, वहाँ पर मैंने वही अल्फाज बोले जो वहाँ लिखे थे सुनहरी जालियों पर, क्या उनसे बेहतर तुम्हारे अकीदे हैं? और ये अल्लाह के नबी ने जो अकीदा अल्लाह ने हुजूर की बात, अरे सुन लो मेरे प्यारे भाई, क्या मतलब ज्यादा बोलने की, क्या आपके रोजे की बीमारी हो गई है? अल्लाह के नबी ने जो दीन सहाबा इकराम को पहुंचा दिया वो दीन कंप्लीट हो चुका है। सूरह माईदा की आयत अल्हम्दुलिल्लाह नाजिल हो चुकी है कि अब ये दीन कंप्लीट हो गया है। तो अगर कंप्लीट हो गया है तो क्या ये उर्दू वाला जो सलाम आप लोग खड़े होके पढ़ते हो मदीना की तरफ देख के, ये क्या अल्लाह के नबी ने क्या माज़ अल्लाह सहाबा को नहीं बताया? ये आपको किसने बताया? मेरी बात,